नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 24x7। हम बता दें, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम वो एक कदम और बढ़ाया था कि और जो भी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम स्तर पर, जमीनी स्तर पर स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है और जागरूक होना चाहिए। मगर इस समय हम खड़े हैं भरतना ब्लॉक की ग्राम पंचायत ककरैया में, और ककरैया का एक ये गाँव है जहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की सरे आम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि इस समय कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि सामने की स्थिति दिखाएं, किस तरीके से ग्रामीण पानी से, एक गंदा पानी है, नाले का भरा हुआ पानी है और तालाब का भरा हुआ पानी, किस तरीके से ये लोग निकल रहे हैं। और हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा है और जिस तरीके से स्कूल भी जाते हैं। बेटा, आप स्कूल जाते हो? आप आपका घर कहाँ है? सामने। तो आप जब निकलते हो तो कहाँ से जाते हो? यहीं से होते? कब से पानी भरा हुआ है? पाँच छह महीने। अच्छा, तो ये कोई कर्मचारी नहीं है, साफ सफाई नहीं हुई यहाँ की? नहीं। जिस तरीके से, आपको बता दें, ये देश का भविष्य है ये, और यहाँ तक कि सरकारें कहती हैं, जो भी सरकारें अभी भी चल रही हैं, या ग्राम पंचायत के प्रधान हो, या सचिव हो, या कोई भी हो, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है भारत में, हमारे देश में, और इस तरीके से अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ से निकलेंगे, अब स्कूल के लिए जाएंगे, तो इनका भविष्य कहाँ तक सिक्योर होगा, कहाँ तक अच्छा होगा, ये एक सोचने वाली विषय है। हम आपको बता दें, हम बात करेंगे जो वहाँ पर एक महिला बैठी हुई हैं, ये उनका कहना है कि पिछले 5 महीने से हम लोग घर में इसी तरह कैद हैं, और जब भी जाते हैं हम उनसे बात करेंगे, और जाना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन हम जाने की कोशिश भी करेंगे और जाएंगे भी, इस तरीके से घूम के जाना पड़ रहा है। ये है ग्राम पंचायत जो है ककरैया, जहाँ पर आपको ये तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी कि किस तरीके से करीब करीब 10 से 12 घर ऐसे हैं जो पिछले 5 महीने से इसी गंदगी को और इसी नरक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अपना क्या नाम है आपका? इंदू जी, कितने दिन हो गए पानी भरा? 5 महीने हो चुके हैं हमें। 5 महीने? हाँ, और बच्चे भी हमारे गिरते इसमें पानी में। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं, और जूते है ना हाथ में टांग के जाते हैं। बताओ, आपके बच्चे जूते हाथ में टांग के जाते हैं? हाँ। ग्राम प्रधान ने कुछ किया नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं किया। हाँ, बोला है कोई आया, कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके आता? नहीं, पानी खेत में लग जाता, वो हो जाता, फिर ऐसा ही हो जाता, फिर बढ़ता है पानी, क्योंकि पूरे गांव को इसमें ही आता है पानी। अभी तक कोई पानी निकासी कोई जगह नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं हुई, ना सुनवाई हो रही है। अभी जो नए प्रधान बने हैं आपके, उन्होंने कोई एक कदम तो उठाया होगा? नहीं, कुछ भी नहीं उठाया, बस खेत में लगा दिया है पानी, बस फिर नहीं उठाया है। आपके यहाँ जो आने जाने वाले लोग होंगे, जो रिश्तेदार आते हैं, तो वो लोग भी यहीं से होकर निकलते हैं? हाँ, यहीं होकर निकलते हैं, बच्चे भी आते हैं जाते हैं, और उसमें गिरते भी हैं सभी लोग, जो भी आता है वो भी गिरता है इसमें, रिश्तेदार भी आते हैं, यहीं गिरते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस समय इटावा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है, और सरकारें जो हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो सरकारें हैं वो चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि आप अपने घर के आसपास सफाई बनाए रखें। हमारे साथ एक भैया है, भैया इधर आना जरा, आप इधर आना थोड़ा, हम वहाँ हम आप कीजिए, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, थोड़ा बात करिए। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण जी, घर कहाँ है आपका? तो आप जब अपने घर में काम के लिए बनाते हैं, यही रास्ता जाय में घोसा? कोई नहीं है आज, ना मैं तो सुधा नहीं आ सकता, कोई नहीं आया, काई लगी नहीं थी। एक तरफ को सरकारें ये कहती है, एक तरफ तो राज्य सरकार भी अपना दावा ठोकती है कि स्वच्छता होनी चाहिए प्रदेश में और गांव में स्वच्छता होनी चाहिए, और डेंगू का भी एक बहुत कहर चल रहा है। मगर एक सवाल उठता है कि अगर इसी तरह ग्राम पंचायत में, छोटे छोटे गाँव में अपना ये पानी का, जल का भराव होगा, गंदा पानी भरा रहेगा, तो डेंगू ख़त्म होगा क्या? और ये सवाल है कि किस तरीके से ग्राम प्रधान हो, चाहे ग्राम पंचायत सचिव हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, एक सफाई कर्मचारी भी यहाँ आने से मना करता है, और बहुत सोचने वाली, और इनकी जो, हमने तो एक बात को बड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से मैं वहाँ पहुँचा, मुझे मात्र ये पहले घर जाना था, इसके आगे भी घर बने हुए हैं, कि जिस तरीके से मैं वहाँ पहुँचा था, कि ये तो अपना पर डे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से जाना आना लगा रहता है इनका, इनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है सफाई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई सुनता है इस तरीके की।
जो लोग स्कूल जाते हैं इनसे बात करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ पर है आपका कॉलेज स्कूल? हमारा कॉलेज स्कूल इंटर में है। तो आप जब जाते हैं तो यहीं से जाते हैं, दूसरा रास्ता भी जाते हैं? यहीं से जाते हैं। अच्छा, जब से, हाँ। ये पानी जब से भरा है कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी? नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। जिस तरीके से आप खुद देख सकते हैं, अपने टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हाई स्कूल का है, कोई केजी में पढ़ रहा है, कोई चार क्लास का है, कोई पाँच क्लास का है, ये लोग इसी रास्ते से जाते हैं। और इसी रास्ते से जाने के बाद भी अभी तक सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, सरकार और ग्राम प्रधान की गलती है। और आपको एक और सनसनीखेज खुलासा बता दें कि जब मैंने इसमें जियोटैग की नेट को देखा, जो यहाँ पर जो कार्य है, इसके पानी की निकासी को लेकर दो बार पैसे निकल चुके हैं, 50,000 रुपये, मगर ये पैसे गए कहाँ जब यहाँ पर लगाए नहीं गए। इस बात की जांच होनी चाहिए, यही हम मांग करते हैं, यही ये लोग मांग करते हैं। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ अनुरोध भदौरिया, भारत टीवी, इटावा। जिस तरीके से आपने देखा कि हमने दिखाया उस जो दूसरी गली थी वहाँ पर किस तरीके से पानी भरा है, वहीं पर हमारे साथ एक महिला हैं जो अपने ये उपले बना रही थी, इनसे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? नाम तारा देवी। तारा देवी, पानी भरा हुआ है, इसकी शिकायत आपने किसी से दी है? शिकायत तो सब तक करी, कानूनी सुनाई करी, कर ले रुपया गायब कर गए ले के। अच्छा, और कहा तो यहाँ से कुछ लोग बीमार भी पड़ते होंगे जिस तरीके पानी भरा है? बीमार हम ये 3 महीना बीमार डरे रहे। हाँ, ये आई ले उड़ाइया 5 बजे बिल्कुल सड़क आई थी, लड़का बच्चा ले रहा था, रोटी पानी आते। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि 3 महीने से हम बीमार पड़े हुए थे, डेंगू हो गया था इनको, मगर ये एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक करने वाली खबर है कि जिस तरीके से यहाँ पर बस्ती में लोग परेशान हैं, मगर यहाँ के प्रधान हों या ग्राम सचिव हों, कोई भी अधिकारी हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस तरीके से। और भी आपको हम इस गांव को लेके और भी खबरें दिखाएंगे, बने रहिए मेरे साथ।